हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर कंपास को खोलकर यहाँ पर हम एक आर्क लगा लेंगे और इसी तरह से और जहाँ पर यह सुई रखी है वहाँ पर हम लिख देंगे 2F। इसी तरह से जितनी भी मोटाई चाहिए दूसरी तरफ भी ड्रा कर देंगे और जहाँ पर हमारी पिन थी वहाँ पर हम लिखेंगे 2F और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रा करके यहाँ पर लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम इसके बीच में F लिखेंगे, यानी कि F, 2F, 1 और O। हमने 6 सेंटीमीटर लिया था तो हमारा 3 सेंटीमीटर पर इधर भी F आएगा और इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लिखेंगे F। ये हमारा F1 और ये हमारा F2 और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस करेगा। और जो रे ऑफ लाइट, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2F1 पर है और जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से बैक जाती है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाएंगे। यानी कि आप ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 में से पास हुई और जो नेक्स्ट रे होती है हमको आपको आपको बताया हुआ है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है तो वो सीधी चली जाती है। यानी कि अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और देखेंगे हमारी रे कहाँ पर मिलती है, जैसे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हमने मिलाना है। इस तरह से और देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है। तो हमारी इमेज है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि 2F पर बन रही है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे तो इसको हम नेम दे देंगे। ये हमारी ए बी इमेज है और ए डैश और बी डैश, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारी इमेज बनी है। जो हमारी इमेज बनी है एट ए डिस्टेंस 2F, यानी कि 2F पर बनी है, यह रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि जो उल्टी बनी है और ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपको यहाँ पे थंबनेल नज़र आ रहा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।